बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई काशिफ खान हाज़िर, और आज फिर मैं जा रहा हूँ शिकार पे। ये देखें मेरे लंडे वाले जॉगर्स, ये ऐसे नहीं हैं, बाटा के हैं, और मैं इन्हें पहनता हूँ। और खड़ा है मेरा दोस्त मेरे इंतज़ार में, और आज हम तीन चार दोस्त जाएंगे शिकार पर। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हमारी वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपनी तो बनाऊँगा। तो ये पहनते हैं जूते बूट और फिर जाते हैं शिकार को। ये जी मैं हो गया रेडी और मैं जा रहा हूँ शिकार पर। अभी बाइक माउंट, हैवी बाइक उठा ली है अपनी, और अभी जाते हैं आगे, दोस्तों को पिक करते हैं, फिर नेक्स्ट सीन आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा आगे। क्या करें कि शिकार लग जाए आज, ठा हो जाए ठा। ये जी आ गया मैं एक दोस्त के पास, ये भी हंटर है, और अभी जाते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट सीन। चलो बैठ जाओ भाई। ये है जी कच्चे का इलाका, और इर्द गिर्द ये जंगल है। इन जंगलों में खरगोश भी पाए जाते हैं। ये देखें ये जंगल, इन जंगलों में खरगोश भी पाए जाते हैं। और वापसी पर हो सकता है कि हमें खरगोश मिल जाए। अगर मिल गया तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि खरगोश को कैसे हमने मारा। ये देखें ये जी, हम आ चुके हैं शिकारगाह में, और बहुत दूर आए हैं, बहुत दूर। और सामने आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर शिकारगाह किस तरह से है। पीछे देख सकते हैं आपके पानी ही पानी है। और दूसरे दोस्त अभी जा रहे हैं शिकारगाह की तरफ, और मैं भी, हम भी जा रहे हैं, दोनों इकट्ठे हम भी जा रहे हैं शिकारगाह की तरफ। और सोच रहे हैं कि कहाँ पर जाएं। यहाँ इतना बड़ी, यहाँ इतनी बड़ी ज़्यादा पानी है ना, कि कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो कि कहाँ पर जाएं हम। तो पोजीशनें संभाल ली हैं सब ने अपनी अपनी, सिर्फ हम रह गए हैं। अब देखते हैं कि हम कहाँ पर जाएं। हम भी कहीं पर जाते हैं, दिखाता हूँ आपको ये पानी की सूरत हाल। ये है शिकारगाह, और एक मेरा दोस्त जा रहा है, वो आपको नज़र आए शायद। ये देखें ये जा रहा है, और दूसरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर ये आ गए हम शिकार गाह के अंदर नीचे। ये देखिए ये पानी, ये पानी। अभी तो ये इस जगह से हम चलकर जा रहे हैं आगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएंगे आगे जाकर। ये इतना बड़ा पानी का इलाका है, पानी पानी है, और मेरे तो बिल्कुल सांस भी फूल गया, फूल रहा है सांस। और अभी मैं ये लें पानी के अंदर गया, मैं पानी के अंदर मैं जा चुका हूँ पानी के अंदर। और आ जा आ जा आ जा आ जा वे वाड़ा इत्थे। तो मैं अभी जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी जी बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया मैंने, हम दोनों ने बल्कि। ये देखें मेरे साथ और मेरे दोस्त बैठे हैं अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर, और मैंने अभी पोजीशन ना ही देखी है और ना ही कुछ सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। यहाँ तो सब पानी पानी है, ये तो पानी में बैठना पड़ेगा मुझे, और तो कोई हल भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं अपनी सीट बिठा सकूं, सीट लगा सकूं। और ये जंगल है इर्द गिर्द, ये जंगल ही जंगल है। देखते हैं नई जगह है यहाँ, देखते हैं कि कहाँ बैठें कहाँ जाएं, हो सकता है कोई जगह मिल जाए अच्छी सी हमें। अभी फायर हो रहे हैं, वादी की पोजीशन मुझे लगती है कि आज कुछ अच्छी लग रही है मुझे। तो बैठते हैं, तो आगे यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कि कोई ऊपर वाली जगह आ जाए जहाँ हमें बैठने की जगह मिल जाए, वरना यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, जहाँ हम शिकार नहीं कर सकते, जहाँ बहुत गहरा पानी है और बैठने की कोई जगह भी नहीं है यहाँ पर।
सोच रहे हैं कि कोई जगह मिल जाए हमें तो अच्छा होगा। अब आ गई है कुछ ऊपर ऊपर लीता है, आ गई है। हाँ हाँ आ तो सही तू। ये देख जी, सूरज भी सामने देख लें। टिब्बा उको जो नंगा रड़ा है बहु अगु झाओ बन आ गयो उची झा आयो थोड़ी बानिया। बहुत सारा अगर हम जहाँ पर बैठते हैं तो बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं मुर्गाबी को मारने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बीच की जगह है। तो ये आगे दिखाता हूँ, ये एक जगह आ गई है जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ हम बैठ सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, फिर गुजारा करना पड़ेगा, फिर किसी न किसी जगह तो बैठना ही है हमने आखिर। इतना अगर सफ़र तय करके आ गए हैं पानी में तो और भी कर लेंगे। ये वाली ये झाए जो ये बेहतरीन झाए सारी उका और थे। ये देखे इर्द गिर्द पानी ही पानी और ये पानी ही पानी, हम दरमियान में आ गए और ये जगह ढूंढी है हमने बैठने के लिए, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो यहीं पर डेरा लगाते हैं अपना। तो अभी यहाँ मुर्गा अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहाँ एक चिरगा होता है, चिरगा हम उसे यहाँ सराकी में कहते हैं चिरगा, वो चिरके जहाँ पर बैठे हैं। तो ये सामने ये देखें ना, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना ये जंगल, इसके पीछे चिरगे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कि हो सकता है कि वहाँ चिरगे हों और हमारा शिकार लग जाए। मैं वहीं जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और सनसेट भी होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। ये देखें क्या सीन है यार सनसेट का, देख सकते हैं कि मैं बहुत ही सुनसान जगह पर आ गया हूँ। ये देखें पीछे जंगल है मेरे और आगे पानी ही पानी है। ये देखें इर्द गिर्द पानी ही पानी है और ये जंगल है। आप पीछे वापस जाता हूँ, यहाँ पर तो कोई चीज़ भी, मैंने सोचा कि यहाँ बैठी होगी कोई चीज़ वो चिरगा वगैरह, लेकिन यहाँ कोई चीज़ भी नहीं थी। तो वापस जाता हूँ क्योंकि आगे पानी भी गहरा है और गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। पीछे वापस जाते हैं, चलिए चलते हैं वापस पीछे। अभी मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ। देखिए मेरा दोस्त भी मेरे साथ है। शाम हो गई है बिल्कुल, अंधेरा होने वाला है और अभी पता चल जाएगा कि मुर्गा भी आनी है या नहीं आनी। तो जब शिकार लगेगा तो शाम के मनाज़र तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, दी एंड करने वाला हूँ, यही दिखाऊँगा कि शिकार लग गया है या नहीं लगा। दुआ करें कि शिकार लग जाए। चौथी बार मैं आ रहा हूँ और अकेला वापस जा रहा हूँ बग़ैर शिकार के। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई शिकार लगेगा इंशाल्लाह। बैड लक हुई कि मैं घर पहुँचा लेकिन शिकार ना लग सका, बहुत ही फासला तय करके और बहुत ही धूल थी रस्ते में। बैड लक, एक कमी रह गई था ना हो सकी। अब यहाँ पर घर पर कोई चेंज कर लेते हैं और फिर लास्ट का टाइम है। ज़्यादा दिन अल्लाह हाफिज़।